नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल SKM सुनील क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आपके लिए है कुछ खास जो कि एग्जाम्स के लिए होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद बिल्कुल आप पाएंगे कि आपके एग्जाम्स की दृष्टिकोण से लिए कितना ही महत्वपूर्ण वीडियो था ये। और इसके पहले भी मेरे द्वारा कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर ही दिए गए हैं, बहुत सी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं जो कि एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और वो वीडियोज देखने के बाद आप बिल्कुल फील करेंगे कि आपको जिस प्रकार कोई भी प्रॉब्लम होती थी एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो उस प्रकार के क्वेश्चन अब आपसे सॉल्व होने लगेंगे और कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी, क्योंकि वही क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पे चूज किए जा रहे हैं जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में स्टूडेंट को फंसाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर मेरे द्वारा ऑलरेडी लिख दिए गए हैं आप लोगों के लिए। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं या कि वीडियो को ऑफलाइन सेव भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए चैनल रहेगा और इसमें जो रिलेटेड वीडियोज रहेंगे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज रहेंगे। तो आप इसी तरह के रोचक जानकारियों के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी जानकारियां आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जैसे कि मैथ से रिलेटेड जो मैथ में आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैथ से रिलेटेड वीडियोज भी आपके लिए बहुत ही जल्द बनाए जाएंगे और मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट का वीडियो पूरी तरह से आपके लिए बनाया जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो है विश्व के विनिर्माण उद्योग। तो मतलब विश्व के जो उद्योग हैं वो कौन कौन से देश में हैं, तो इसकी जानकारी आज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो उसमें दोस्तों जो हमारा पहला आता है वो है सूती वस्त्र उद्योग। तो अगर हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग की, तो सूती वस्त्र उद्योग हमारा है ब्रिटेन, भारत, चीन और रूस में। तो सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है। तो सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत ब्रिटेन, भारत, रूस और चीन आते हैं। और लौह इस्पात की अगर हम बात करें लौह इस्पात उद्योग की, तो लौह इस्पात उद्योग के अंतर्गत यूएसए, यूक्रेन, जापान और रूस आता है। तो देखें जो नेचुरल थिंग्स रिलेटेड रहती हैं उसमें तो भारत का नाम आ जाता है, लेकिन जो टेक्निकल थोड़ी चीज़ें हो जाती हैं और खनिज चीज़ें हो जाती हैं थोड़ी बहुत, तो भारत में थोड़ी बहुत उनकी मात्रा तो है लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा नहीं रहती। तो आप ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो जो लौह और इस्पात है फ्रेंड्स वो होता है यूएसए, यूक्रेन, जापान और रूस में। और अगर हम ऊनी वस्त्र उद्योग की बात करें, तो ऊनी वस्त्र उद्योग पाया जाता है जापान, यूएसए और ब्रिटेन में। जापान, यूएसए और ब्रिटेन में पाया जाता है। तो जापान, यूएसए और ब्रिटेन में ये ऊनी वस्त्र उद्योग बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं बात करें हम, क्योंकि ये बहुत ही डेवलप कंट्रीज हैं। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि जो ज़्यादा डेवलप कंट्रीज रहती हैं उन्हीं का नाम ज़्यादातर आता है। हर एक चीज़ के उत्पादन में अगर कोई उद्योग भी है तो उन कंट्रीज का नाम ज़्यादा आता है। तो इस तरह से भी आप इन सबको याद कर सकते हैं, जो आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है तो आप इन्हीं पर फोकस करके उनका नाम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम रेशमी वस्त्र की बात करें, रेशमी वस्त्र उद्योग जो हमारा है, तो रेशमी वस्त्र उद्योग के अंतर्गत जो है रूस, जापान, चीन, फ्रांस और भारत हैं। तो देखें ये सब लगभग डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे रूस हो गया, जापान, चीन, फ्रांस, भारत, तो डेवलपिंग भी हैं, डेवलप्ड भी हैं। तो ये ही सब देश आते हैं, इन्हीं को हमको याद करना है ज़्यादा से ज़्यादा। और लगभग सभी जो उत्पादन होते हैं इन्हीं देशों में होते हैं जो कि यहाँ पे बताए जा रहे हैं। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है मोटर गाड़ी। तो मोटर गाड़ी उत्पादन में, तो मोटर गाड़ी उद्योग में तो भारत का नाम नहीं आ सकता है, आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसमें जो नाम है वो है यूएसए का, यूएसए हो गया, जापान हो गया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन, तो इन सब देशों का नाम है इसके अंतर्गत, मोटर गाड़ी उद्योग के अंतर्गत। और अगर हम बात करें पोत निर्माण, जो एक पोत निर्माण होता है, तो पोत निर्माण के अंतर्गत किन चीजों का नाम आता है, तो पोत निर्माण के अंतर्गत जो नाम आता है वो है जापान, स्वीडन, जर्मनी और यूएसए। तो यही देश हैं कुछ जो कि इसके अंतर्गत आते हैं, पोत निर्माण के अंतर्गत जापान, स्वीडन, जर्मनी और यूएसए। और वायवान निर्माण की हम बात करें, तो वायवान निर्माण में तो आपको पता ही है यूएसए, ब्रिटेन और रूस आदि हैं जो कि ऊपर ही पाए जाते हैं, उत्तर में ही पाए जाते हैं देश। और यहाँ की जलवायु बहुत ही अच्छी है, तो इसीलिए यहाँ के, तो इस एरिया में रहने वाले लोगों का जो माइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है। तो वायवान का जो निर्माण होता है, वायवान का निर्माण यूएसए, ब्रिटेन और रूस ऐसे देशों में ही होता है। और यही रीजन है कि जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं इधर की ही कंट्रीज हैं, क्योंकि इधर की जलवायु इतनी अच्छी होती है माई फ्रेंड्स, जो कि
शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होते हैं कि वहाँ के लोगों का माइंड बहुत ही अच्छा कार्य करता है और बहुत ही ज़्यादा खोजे करते हैं। तो इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। इससे फायदा ये होगा कि जो हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो आपको डायरेक्टली प्राप्त हो जाएंगे बिना किसी डिले के। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब।